हाँ जी, गुड इवनिंग। शुभांशु गुड इवनिंग, किशन गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करोगे वॉइस ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है? रशिका गुड इवनिंग। ठीक, निशिता गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, होमवर्क हुआ या नहीं हुआ? होमवर्क होमवर्क। और अगर कोई डाउट्स हैं ठीक है, मतलब सभी लोगों ने होमवर्क किया। नितिन, ऑडियो इश्यू है, सिर्फ आप ही को है कि सभी को ऑडियो इश्यू है? पहले एक बार फिर से ऑडियो कंफर्म है ना, ऑडियो में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? दरसिल वैजंती गुड इवनिंग। ऑडियो ऑडियो एक बार कंफर्म करोगे? ठीक है ऑडियो, तो नितिन एक बार आप अपने हैंड पर चेक कीजिएगा, अपने हैंड पर। ठीक है, तो हम कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना। लिखना स्टार्ट करोगे? क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं राहुल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमें अब आगे कैसे चलना है। लिखोगे एग्जाम्पल? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, रुपीज 1000, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, 1000 लाख समझ लेना, रुपीज 1000 लाइफ। फाइव इयर्स, प्रोबेबिलिटी और कैश फ्लो पर एन। प्रोबेबिलिटी 0.3, थ्री हंड्रेड 0.5, 400 और 0.2, 100। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेन परसेंट पर एन। कैलकुलेट, एक्सपेक्टेड एनपीवी,
और स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें निकालना एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो जी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1000, लाइफ है 5 साल, 5 साल तक। मैंने इस बार एनपीवी नहीं दिया, मैंने कैश फ्लो दिया। कल जो होमवर्क किया था उसमें आपने कैश फ्लो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। इस बार मैंने आपको कैश फ्लो दिया कि हर साल आएगा, कि 100 भी आ सकता, 400 भी आ सकता, 100 भी आ सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी हर साल। चलो जी, और रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट कितना, 10% पर एनम। आपको निकालना एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी शुभ, थैंक यू। पर अब थोड़े क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन पे चलो जी स्टार्ट करें। सवाल यह है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, पहले सोच लो उसके बाद काम करें। मुझे एनपीवी निकालना, एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ही है। टेबल से बना लोगे, एनपीवी की बात कर रहा हूं मैं, एनपीवी, एनपीवी में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। सुनोगे ध्यान से, पहला तरीका कि इन सब को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पर एनम, पर एनम, और ये एक साल का निकलेगा, और टोटल लाइफ कितना है, 5 साल। तो फिर हम क्या निकालेंगे, पीवीसीआई, और फिर माइनस क्या कर देंगे, पीवीसीओ। एक बार करके देखते हैं काम, मैं दो तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पहले निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड एनपीवी, उसके लिए मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकलेगा, 300। मैं टेबल भी बनाऊंगा, अभी मैं टेबल के चक्कर में नहीं जा रहा हूं। 300 इंटू 0.3, हम क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, मेन क्वेश्चन, तब हम टेबल के साथ कर लेंगे। और 400 इंटू 0.5 प्लस 100 इंटू 0.2, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया 310। अमित का एनपीवी निकल गया है, ये जो निकलेगा ये तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आया, ये एक्सपेक्टेड, यहां मैंने एनपीवी शब्द नहीं लिखा, मैंने कैश फ्लो शब्द लिखा। कल किसी बच्चे का डाउट आया था, सर कैश फ्लो और एनपीवी में क्या अंतर है। अब मैं निकालने जा रहा हूं एक्सपेक्टेड एनपीवी, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। P10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पर एनम निकला है, पर एनम। एन्यूटी फैक्टर कितने परसेंटेज का लोगे, 10%, कितने ईयर का, 5 ईयर्स, और माइनस कितना करोगे, 1000। तो 310 इंटू 3.791 माइनस कितना करेंगे, 1000। तो बताओ एनपीवी कितना है, 17 का। हां लेकिन कुछ खास बात बताने वाला हूं इस एग्जांपल के थ्रू, कुछ खास बात बताने वाला हूं।
175.143 ठीक है, चल जाएगा 14 भी चल जाएगा, सबका सही है। एक्सपेक्टेड एनपीवी 175 एचडी कैसे निकलेगा, एचडी स्टैंडर्ड एविएशन, कोई है जो एचडी निकाल सकता है? स्टैंडर्ड एविएशन ये नहीं मालूम ना यार। अब भाई स्टैंडर्ड एविएशन किस में पूछ रहा हुआ, एनपीवी में पूछ रहा कि कैश फ्लो में पूछ रहा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद है, सीवी, सीवी कैसे निकालते हैं, सीवी 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 स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, एक्स बार का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड एनपीवी यहां आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन किसका लेना चाहिए, कैश फ्लो का कि एनपीवी का? एनपीवी का लेना चाहिए, लॉजिकली तो एनपीवी का लेना चाहिए भाई। एनपीवी का स्टैंडर्ड एविएशन होना चाहिए 100% करेगा। चलो तो लिखोगे पॉइंट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ एच डी, एच डी किसका निकालना है, कैश फ्लोस। ICAI टेबल में नहीं बना रहा हूं, सीधा बना रहा हूं, एक बार सीधा भी करके देखते कि कैसे होता है बिना टेबल के। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल कितना है भाई, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का स्टैंडर्ड एविएशन निकाल रहा हूं, क्यों निकाल रहा हूं ये मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले निकाल तो लेते हैं। मैं बिना टेबल के कर रहा हूं, एक्चुअली हमको उसका भी नॉलेज होना चाहिए बिना टेबल के कैसे हो। ये एक्स और ये एक्स बार, ठीक है, तो क्या करोगे, 300 माइनस 310 ये क्या आ गया, अब वेरियंस, और मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3। मैं इस बार बिना टेबल के कर रहा हूं, प्लस फोर हंड्रेड माइनस 310 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस अगला वाला कितना है 200 100 माइनस 310 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2 और इसको क्या करना है स्क्वायर रूट, वेरिएंस नहीं निकाल रहा हूं सीधा एचडी निकाल रहा113.58 ठीक है ईशा, 113.58 पैसा नहीं है ये, 1000 लाख है मान लो ये लैक्स में है, तो ये 113.58 लैक्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
ये जो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाला, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकलना चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी कैश फ्लो का नहीं निकलना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकलना चाहिए? एनपीवी का। आईसीएआई क्या कर रहा है? आईसीएआई क्या करता है? हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है? कैश फ्लो दिया है ना, तो चलो कैश फ्लो में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते, काम खत्म। जबकि लॉजिकली नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है यार, जो चीज आप निकाल रहे हो इसमें कितने का डेविएशन है ये निकालना चाहिए। पर ठीक है आईसीआई, तो अभी एक बात मुद्दे की बात यह है, अगर यहां एनपीवी दिया रहता तो एचडी किस में निकलता? अगर यहां कैश फ्लो की जगह एनपीवी लिखा रहता तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकलते? एनपीवी में। यहां क्या दिया है? कैश फ्लो। इसलिए इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकल रहा है? कैश फ्लो में। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकलना चाहिए? एनपीवी। तो यहां मैंने इसलिए लिखवा दिया एज पर आईसीआई, पर लॉजिकली भी तो करना पड़ेगा हमको। क्या कोई ऐसा है जो मुझे इसमें, और पॉइंट नंबर थर्ड जरूर, एचडी इन एनपीवी निकालकर बता सकता है स्टैंडर्ड एविएशन इन एनपीवी? हाँ जी, लॉजिकली एनपीवी में स्टैंडर्ड एविएशन निकलना चाहिए, तो चलो ठीक है ना यार, निकालकर बताओ स्टैंडर्ड एविएशन इन एनपीवी। सर हम करेंगे कैसे एग्जाम में? वो कैसे करोगे वो मैं समझा दूंगा, पहले मुझे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहां गया भाई, ये इस क्वेश्चन में चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, निकाला जा सकता है क्या? मान लेते हैं कि पॉइंट वही मतलब 300 जो है वो चार पांच साल 300 ही आएगा। पहले मान लो कि इस सिनारियो में, इस सिनारियो में हर साल 300 आएगा तो एक एनपीवी निकलेगा। फिर मान लेना कि हर साल 400 आएगा तो दूसरा एनपीवी निकलेगा। फिर मान लेना कि हर साल 100 आएगा तो तीसरा एनपीवी निकलेगा। और फिर पहला एनपीवी, दूसरा एनपीवी, तीसरा एनपीवी, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड एनपीवी। सर सीए इंटर में भी हम कैश फ्लो ही निकालते थे, हाँ जी गलत निकालते थे, और आईसीएआई भी गलत ही करवाया है, और फाइनल में भी आपको ऐसे ही निकालना है, अगर कैश फ्लो दिया तो कैश फ्लो में। लेकिन 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 अभी मैंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ लिखा नहीं है। पर अगर मैं लिख देता इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनपीवी, तो फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना, फिर तो कैश फ्लो में निकाल ही नहीं सकते। तो बचने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो चलो काम कर ले। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनपीवी निकाल रहा है, तो अभी मालूम है कितना एनपीवी कैलकुलेट होगा? 3। पहला एनपीवी अलग अलग सिनारियों में, फर्स्ट मान लो कि हर साल इस सिनारियो में 300 आएगा, तो चलो देखें सर 300 इंटू फैक्टर कितना था? 3.791 माइनस 1000 लिखना है कॉपी में मेरे साथ साथ, लॉजिकली यही होता है। दूसरा एनपीवी निकालेंगे, मान के चलो कि कितना आएगा, 400 400 वो बाद में कर लेंगे हम लोग, 3.791 माइनस 1000 दूसरा एनपीवी, तो प्रोबेबिलिटी से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे 516.40। और तीसरा सिनारियो जिसमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हर साल कितना आएगा, 400 इंटू 3.791 माइनस 1000 हाँ वजंती सही है, 516.4। अगला वाला बताओगे? आशीष आपका भी सही है, माइनस 620.90। आज शुभ सही है, आधे से बच्चे तो माइनस देखकर डर जाएंगे यार, माइनस में कैसे आ गए। अब निकालने जा रहा है फिर से
एक्सपेक्टेड एनपीवी। अब सुनो क्वेश्चन, अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आंसर यही आएगा 175.143? एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या यही आने वाला 175.143? एक बार चेक करके देख लेते हैं, दिक्कत क्या। कितना एनपीवी आ सकता है? 137.30। और इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये एनपीवी आने की प्रोबेबिलिटी कितना था? 0.3 प्लस 516.40, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.5 प्लस माइनस 620.90, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.2। आंसर आएगा 175.143 अप्रोक्स। तो सर एक्सपेक्टेड एनपीवी में दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड एनपीवी चाहो तो ये सबसे आसान है, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई समस्या नहीं है। समस्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम निकाल रहे स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनपीवी, और वो भी मैं टेबल बनाकर नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा कर रहा हूं। क्वेश्चन आएगा तो वो टेबल बनाकर देख लेंगे हम लोग, अभी हम सीधा कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 175.14 ले लूं चलेगा ना, स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 517.40, अच्छा 516 ही लिखा है, माइनस 175.14 स्क्वायर, और इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 प्लस माइनस 620.9 माइनस 175.14 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी 0.2, और इसका कर लेंगे हम स्क्वायर रूट। आंसर कैलकुलेट सही करना, माइनस में है फिगर एक। एक आंसर आ रहा है वैजंती का 430.47 आ रहा है, एक बार चेक करोगे। हाँ जी तनिष्क सही है, वैजंती का थोड़ा कैलकुलेट, पर चलो ठीक है चल जाएगा। इनका कहना ये पड़ा किसी स्टूडेंट का कि सर आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं कि हर साल 300 ही आएगा। मैं मान के चल रहा हूं ऐसा हो नहीं सकता कि हर साल 300 300 300 300, हो सकता है। अगर मान लो ये कौन सी सिचुएशन है, मान लो ये रेसेशन है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 साल तक रेसेशन ही रहेगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो 300 आएगा या 100 आएगा, या ये नॉर्मल ये बूम है, तो 500 500 500 भी तो आ सकता है ना। इट मीन्स ये भी हो सकता है आने वाले 5 साल तक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उस हिसाब से मैंने एनपीवी निकाला। वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, वो आएगा ना डिसीजन ट्री में आएगा। इनका ये कहना है कि सर ऐसा हो सकता है कि 2 साल ये आए, उसके बाद 3 साल ये आए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ेंगे डिसीजन ट्री में, पढ़ने को मिलेगा कि 1 साल 300 आ सकता है, दूसरे साल 400 आ सकता है, वो डिसीजन ट्री करके एक टॉपिक।
आशीष 430.24 है, ये कैसे हो रहा 43, चल जाएगा चल जाएगा। ईशा सही है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं फटाफट से। एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में कैसे करोगे। पहला एक्सपेक्टेड एनपीवी मांगा है, एक्सपेक्टेड एनपीवी ऐसे ही निकालोगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी का दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकालोगे, कैश फ्लो में निकालोगे। ओके ओके ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो कैसे निकालोगे, कैश फ्लो में निकालोगे कि एनपीवी में निकालोगे। भाई एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो। एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किस में निकाला जाएगा, कैश फ्लो। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन कैश फ्लो में निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में गलती से दे दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनपीवी, तो फिर आपको एनपीवी में निकालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, आईसीएआई के हिसाब से चलना सर, लॉजिक अपने पास में रखिए। चलो ठीक है, लॉजिक हम अपने पास में रखते हैं, हम आईसीएआई के हिसाब से चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन बना है, होमवर्क हो गया था सभी लोगों का, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सर कहां से उठाया है गया है क्वेश्चन, हाँ जी हम आईसीएआई के हिसाब से करेंगे, मैं एग्री हूं, पर बस मैं ये बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वो एनपीवी में पूछेगा ना, तो जैसे मैंने किया था बस आपको वैसे कर। जीरो जीरो हटा दिया तो उसके बाद क्या होगा, वो इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के साथ। इसमें भी 600,000 है ना यार, तो जीरो तो हटा के करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो देखते हैं ना क्या करना। क्वेश्चन नंबर 15 आईसीएआई का क्वेश्चन है, और कहां मिलेगा टीवाई के 2 स्टडी मैट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सीए इंटर में भी था। चलो करे जी, लिखा साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है, दोनों प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा लग रहा है, 5,00,000 5,00,000। और क्या मांगा है, लाइफ कितना है दोनों का, आसम कोई दिक्कत नहीं। अंडर 3 पॉसिबल सिचुएशन देयर एनुअल कैश फ्लोस, एनुअल कैश फ्लो दे रखा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखा। ये प्रोबेबिलिटी है याद रखना, ये एनपीवी नहीं है, ये कैश फ्लो है और एनुअल है, हर साल आए। प्रोजेक्ट ए 600,000 4,00,000 2,00,000, प्रोजेक्ट बी 5,00,000 4,00,000 3,00,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लिखना है, 7%। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन विथ वर्किंग। सर जिसकी एनपीवी ज्यादा आएगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यार प्रोबेबिलिटी के दिया है तो कुछ ना कुछ तो और मांगता होगा। काम करते हैं, पहला काम आप जो बोल रहे हो वही, हमें एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना। चलो एक्सपेक्टेड वो तो आसान है, देखोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी, हाँ जी रिस्क निकालेंगे, अभी पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते हैं। तो पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे, तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, पहले कैश फ्लो निकाल दें के, यस पहले प्रोजेक्ट ए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पर है ना। हाँ वैजयंती सही है, लिखना भी है ना। 600,000 सर, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा लग रहा है।
प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख 0.3 आज ही सही है। ए का भी निकल लिया, बी का भी निकल लिया, बिल्कुल कितना आ रहा है 6 लाख × 0.3 4 लाख × 0.4 2 लाख × 0.3 4 लाख पर है ना। अब निकाल रहा एक्सपेक्टेड एनपी में, चार लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर कितना परसेंट का रेट 7% कितने साल 5 साल माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 5 लाख एनपीवी बोलो। चार लाख का 7% के हिसाब से फैक्टर 1/1.07 1, 2, 3, 4, 5 जीटी 4.100 माइनस 5 लाख भी होगा हाँ 11,40,000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4.10 से मल्टीप्लाई किया है उसे करेंगे तो एग्जैक्ट 11,40,000 हाँ 11,40,000 ठीक है चल जाए ठीक है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, राउंडेड ऑफ करके आ रहा हमारा 11,40,000। कुछ बच्चों का ये भी कहना हो सकता सर 4.101 लेना चाहिए, चल जाएगा यार इस पर हम लड़ाई नहीं करेंगे 11,40,000। ये किसका निकला प्रोजेक्ट ए, ऐसे ही किसका निकालोगे आप प्रोजेक्ट बी का, मैं नहीं करने वाला हूं प्रोजेक्ट बी का आप बताओगे। नॉर्मली कितने पॉइंट में लेना चाहिए डिस्काउंट है ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन के साथ, अगर क्वेश्चन के साथ नहीं दिया है तो हम वैसे 4 ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है, 3 या 4 चलता, पर जनरली क्वेश्चन के साथ में फैक्टर दिया रहता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ जी 4 लाख ही आ रहा है, 4,40,000 हाँ जी सभी का सही है 4 लाख। बताओ कौन सा प्रोजेक्ट करे ए या बी। अब ए या बी में डिसाइड नहीं कर सकते, अब क्या जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड एविएशन निकालना पड़ेगा रिस्क, अब देखना पड़ेगा इसमें रिस्क ज्यादा है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, और स्टैंडर्ड एविएशन किसका निकाला जाए कैश फ्लो का कि एनपीवी का, स्टैंडर्ड एविएशन किसका निकाला जाए एनपीवी का निकालना चाहिए, लेकिन आईसीए ने हर क्वेश्चन में किसका निकाला कैश फ्लो का, ठीक है तो कैश फ्लो का स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हैं। जी हाँ तनिष्क कैश फ्लो का स्टैंडर्ड एविएशन निकालते हैं,
और प्रॉब्लम आई, मैं इसको एक लाइन में नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम आई कि सर जीरो का कैसे हैंडल करेंगे, जीरो का क्या करोगे। आईसीएआई के हिसाब से कैश फ्लो का ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैं टेबल में बना रहा हूं, हालांकि इंस्टीट्यूट ने एक लाइन में बनाया, मैं टेबल में बना रहा हूं। और प्रॉब्लम आ रहा है जीरो का किस तरह से मैनेज करोगे, चलो करके देखते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट का करवा रहा हूं, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद क्या रहता है एक्स, उसके बाद क्या रहता है पी एक्स, और उसके बाद है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। कितना कितना है 3.3 0.3 0.4 0.3। पोर्टफोलियो में तो दिक्कत होगा, माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। क्वेश्चन जब बड़े आएंगे ना, एक्चुअली मैं आपको इसके साथ साथ पोर्टफोलियो की ऑटोमेटिक तैयारी करवा रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ, एक्सपेक्टेड एनपीवी आप निकाल चुके हो तो सर हम एक लाइन में कर ले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इस बार जीरो के साथ कैसे खेलते मैं ये बता रहा हूं। ये 600,000 है, क्या मैं 3 जीरो हटा के भी काम कर सकता हूं, बाद में 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट मींस मैं रुपीज इन 1000 में क्वेश्चन कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का एचडी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कि कितना कितना आएगा, 600 400 200, 600 400 और 200। एक्स किया तो एक्स बार ऑटोमेटिक आ जाएगा, निशांत का कहना है सर 3 जीरो क्यों नहीं उड़ा रहे, अगर उड़ाना है तो पूरे 5 जीरो उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ मैं ऐसे, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई गुना नहीं। मुझे 642 लिखना अच्छा नहीं लग रहा था इसी वजह से, ठीक 600 400 200। पी एक्स कितना कितना आ रहा है, 180 160 और 60। एक्सपेक्टेड एनपीवी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना 400 600 माइनस 400 200 0 माइनस 200। गलत हो गया है क्या, 200 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 1000। ठीक है ठीक है, अब खेल यही है अभी। अगर हाँ, अब सुनने वाली बात है, एचडी सही निकला है,
अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार वेरिएंस बताओ, पूरा बताओ, पूरा कंप्लीटली, देखो गलती क्या हो सकती है, सुनो गलती क्या हो सकती है, कोई बच्चों ने क्या गलती किया, सुनोगे सुनोगे ध्यान से, हाँ बच्चों ने ये किया कि 24, चलो यार सर जीरो लगा देते, तीन जीरो, तो 24,000 लिया, और क्योंकि तीन जीरो छोड़ा था तो तीन जीरो और ले लिया, तो इसको नाम दे दिया उन्होंने वेरियंस, और फिर जबकि जीरो लग चुके हैं तो क्या कर दिया इसको, स्क्वायर रूट, तो 24,000 और हजार और स्क्वायर रूट किया तो खेल ही अलग आ गया, और कितना आ गया 4898, जो कि गलत है। हाँ एक्चुअल में हुआ क्या, अगर देखोगे देखोगे ध्यान से देखोगे, अगर मैं कहता हूं यहां मान लो तीन है, तीन जीरो होता है, मान लो यहां तीन जीरो होते, बिल्कुल ध्यान से समझना काम के, अगर यहां तीन जीरो होते तो इसको स्क्वायर करते तो मालूम है क्या होता, तीन जीरो का भी तो स्क्वायर हो जाता, इट मीन यहां टोटल मिलाकर कितना जीरो लगाना पड़ता, 6 जीरो लगाना पड़ता। इसलिए भाई हम इस चक्कर में पढ़ते नहीं है, सबसे पहला काम है हम वेरियंस निकालेंगे ही नहीं, हम सीधा क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर बाद में तीन जीरो लगा देंगे। इट मीन अब मैं निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, सबसे पहले मैंने एच डी निकाल लूंगा इसका 24,000, तो कितना आ गया 154.919। अब इसको मैं तीन जीरो लगा दूं तो कितना आ जाएगा रुपीस 154919, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, 154.92 आया, इंटू 1000 कर दीजिएगा, क्योंकि यार ये हमको टोटल में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड एनपीवी जो निकाल रहे हो ना यहां 11,40,000, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस ये गलती मत कर देना आप कि आप इसमें तीन जीरो लगाकर फिर इसको स्क्वायर रूट करोगे, गलती हो जाएगी, दिक्कत में पड़ोगे। चलो दूसरे का काम करें, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी को क्या सीधा कर सकते बिना टेबल के, टेबल बना के भी कर लो, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें निकालना नहीं है और निकलेगा भी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए बच्चों का कहना है सर कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, फिर से बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत नहीं है इसमें, बताऊंगा क्यों नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं, पहले काम करते इसका, इस पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते जो दिया है, डेसिमल दिखाना जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं आप कंफ्यूज हो रहे, अगर 11,40,000 आया है एनपीवी 11,40,000, तो ये भी आप ऐसे नहीं जवाब दे सकते 154.919, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 154.919, ठीक। चलो दूसरे वाले का निकालते स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया होगा आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 77,450, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो आराम से निकालो, टाइम दिया आपको निकालने, ये जो कैश फ्लो दिया है इस टाइप का, ये जो क्वेश्चन है रोहन, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा एनुअल कैश फ्लो, तो इसका मतलब ये कैश फ्लो एनुअल है, और ये मान लो कि यही हर साल आएगा, कितने साल तक, 5 साल, ठीक है। अगर कैश फ्लो दिया यार 6,00,000 रुपए एनुअल, एनुअल का मतलब क्या समझ रहे हो, हर साल,
साल कितना आएगा, 6 लाख 6 लाख 6 लाख, इस हिसाब से मतलब यही एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो आप। ये निकाला आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और यही आएगा आने वाले 5 साल। तो फाइनली काम करें, ए बी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना कितना आया जरा बताओगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो नहीं एक्सपेक्टेड एनपीवी। ग्यारह लाख चालीस हजार और इसका भी कितना आया 11,40,000 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो तो कितना कितना आया था इसका 154,919 और इसका कैश फ्लो 77,459। चलो बताओ कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन दे दो, एनपीवी के बेसिस पे तो डिसीजन दे ही नहीं सकते आप, बस एनपीवी के में तो दोनों बराबर है। तो अब बचा हमारा क्या, रिस्क, और रिस्क के हिसाब से किसमें रिस्क कम है, प्रोजेक्ट भी, तो बस हमें सीवी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एनपीवी में निकाला, हम सीधा भी काम कर सकते हैं। एनपीवी के हिसाब से तो दोनों सही है पर रिस्क के हिसाब से प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड, बस लिख लेना है, ज्यादा हम टाइम खराब ना करें तो लिखते हैं सिंस प्रोजेक्ट बी should be accepted due to lower risk. इसके मैटर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, स्टैंडर्ड डेविएशन के मैटर पे और बात करूंगा मैं आगे, डिसीजन ट्री करके एक टॉपिक है उसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये वैसे भी लॉजिकल नहीं है पर चलो ठीक है उसने बोला तो हमने काम कर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, टीवाई के 3 क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपके स्टडी मटेरियल का है, इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नहीं सिर्फ पूछूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं किया आईसीए ने, सब निकाल कर दे दिया और आपका नॉलेज ही चेक करना। पहला पॉइंट, कंपनी इज कंसीडरिंग एक्स और वाई, एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों का निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का निकला। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्रोजेक्ट करोगे, जो डेटा दिया उसके हिसाब से बताइए एक्स अच्छा है कि वाई अच्छा। अगर आपका कहना है कि सर सीवी निकालोगे सीवी, तो भाई सेकंड वाले में पूछ रहा है क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर आप सीवी यूज करोगे, तो पहले पॉइंट में तो कुछ और ही पूछ रहा होगा, फिर बिना आंसर देखे बताना, पता लगा आंसर देखकर बता रहे हो, बिना आंसर देखे बताओगे दोनों के हिसाब से। हमें इसमें थियरी लिखना है, क्या लिखेंगे थियरी एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ, अगर हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, अगर हम, हाँ बिल्कुल, एचबी के हिसाब से एक्स, पीआई नहीं लगाएंगे, पीआई के बेसिस पे काम नहीं होगा, मैं पीआई करना नहीं है, पीआई वैसे भी नहीं निकल सकता इसमें। हाँ अमित बिल्कुल सही है, आपको जवाब भी वैसे देना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन में। जवाब कैसे दोगे, लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड, और ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोजेक्ट एक्स शुड बी एक्सेप्टेड।
बिल्कुल सही, सभी का जवाब सही है। हमें अलग तरह से जवाब देना पड़ेगा इसमें। हालांकि इंस्टीट्यूट ने कहा कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बोलती है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से भी बताना है और हमें एनपीवी के हिसाब से भी बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन में दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर टू में क्या निकालोगे? सीवी निकालोगे, और सीवी जिसका कम आएगा उसको एक्सेप्ट कर लोगे। वन टू, और विच मेजरमेंट मोर अप्रोप्रिएट है ये पूछ रहा है कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। पॉइंट नंबर थ्री में अगर मुझे लिखवाना रहता तो मैं पक्का लिखवाता बेटर मेजरमेंट हमारे लिए क्या होगा? सीवी। बेटर मेजरमेंट हमारे लिए सीवी होगा। होमवर्क, इंस्टीट्यूट ने कुछ भी लिख रखा, आईसीएआई लिखा रखा कि एनपीवी हमारे लिए बेटर मेजरमेंट है, बेटर मेजरमेंट सीवी होगा, दैट्स इट। हाँ जी, रिस्क सीवी के बेसिस पे सही है, सीवी हमारे लिए मोर अप्रोप्रिएट होगा। होमवर्क है, ये होमवर्क करोगे। होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रीड करते हैं। अगर आपको लगेगा कि हम कर सकते हैं तो ही होमवर्क दूंगा, नहीं तो यहां बनवाऊंगा। सर ये कहां का है? ये भी आपके आईसीएआई का इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर मुझे नहीं मालूम, बच्चे मैसेज कर ही देंगे, कोई बात ही नहीं है। लिखा प्रोबेबिलिटी फॉर नेट कैश फ्लो फॉर 3 years ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहले साल का कैश फ्लो दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है, तो क्या पहले साल का आप कैश फ्लो निकाल सकते हो? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला जा सकता है पहले साल का, यस। दूसरे साल का कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, क्या दूसरे साल का भी कैश फ्लो निकाल सकते हो? यस। और क्या तीसरे साल का भी कैश फ्लो निकाल सकते हो? यस। पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दूसरे साल का और तीसरे साल, और आपको निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन वेविएशन नहीं पूछा, बोले एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लोगे, तो ठीक है। पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और डिस्काउंटिंग और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। और डिस्काउंटिंग कितने से करना है? 10% से, हर साल की डिस्काउंटिंग करना, बस बात खत्म। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दूसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तीसरे साल का एक्सपेक्ट, इसको डिस्काउंटिंग कर दोगे 10% से। पहले साल का 909, जो भी आएगा 0.826, जो भी आएगा 0.751, और आंसर आ जाएगा। सर होमवर्क बोल दो सीधा सीधा, होमवर्क। ऐसे भी घर में क्या करते हो, कोई काम नहीं है, होमवर्क। चलो जी, हाँ जी।
तो चलो जी अब आगे चले। यस सर, बहुत हो गया टाइम पास, अब आगे चल रहा है। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली, पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कैपिटल बस्टिंग चल रहा है हमारा, एडवांस कैपिटल बस्टिंग। पहला बेसिक्स किया था जो हमारे काम का था ही नहीं। दूसरा किया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या था यार, आरडीआर और एनडीआर। तो रियल कैश फ्लो को किससे डिस्काउंटिंग करते थे, रियल, और नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल, और कुछ नहीं था। तीसरा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रिस्क एनालिसिस। उसमें सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच किया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सेकंड लिखने वाले हो, खत्म हो गए वो, बस उतना ही था। अब सेकंड लिखोगे पॉइंट नंबर टू। मुझे टोटल मिलाकर कितना पढ़ाना था रिस्क एनालिसिस में, कितने पॉइंट पढ़ाना था, तीन। पहला स्टैट्स का काम होगा, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा हमें, कन्वेंशनल टेक्निक्स, और तीसरा क्या आ जाएगा, अदर टेक्निक्स। ये वही शब्द है जो आपके स्टडी मैट में लिखे हुए हैं, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। तो सेकंड लिखोगे, कन्वेंशनल टेक्निक्स। हाँ बस वो उतना ही था स्टेट। इसके अंदर दो चीजें पढ़ना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। आरएडीआर सेकंड, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। बस सर ये सुना सुना लग रहा है। हाँ जी, कहाँ सुना लगा, कहाँ कहाँ सुना है आपने सीए इंटर में? तो सीधा बोलो ना, पूरा एडवांस कैपिटल बूस्टिंग सीए इंटर है। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, अभी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी आएगा कैपिटल बूस्टिंग, ठीक है? अभी हल्का हल्का चलते जा रहे हैं। ठीक है, लिख लिया है आरएडीआर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट लिख रहा हूं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। बहुत मैं चाहता भी हूं मानसी कि आपको सीए इंटर का कुछ भी याद ना रहे, ठीक। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, कंपनी ये आप लोग ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए तो क्वेश्चन तो यूं हो जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो।
आंसर क्लासेस ठीक। और मुझे चाहिए आपसे पैसा, और सर कितना रुपए चाहिए? करीब करीब मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। हाँ सबसे मिलाकर, और ये बैंक सर कर क्या रहे हो वो अभी आराम से समझ में आएगा। ये बैंक ऐसे ही बना लो, याद याद रहेगा, याद रहेगा बैंक। और बैंक में जमा करने पे आपको मिल सकता है 8% पर एनम। रिस्क है बैंक में जमा कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट, रिस्क है या रिस्क नहीं है? अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो सर रिस्क नहीं है, मतलब इतना हमें मिलेगा ही मिलेगा, मतलब रिस्क फ्री। इस 1,00,000 रुपए में जो दे रहा हूं ना, सुनो बच्चे, किसी का कहना सब फीस तो दे दिया और का क्या लोगे आप? ये जो 1,00,000 रुपए ये फीस का नहीं ले रहा हूं भाई साहब, इस पे मैं आपको पैसा कमा कर दूंगा। आप सुनो तो सही, मैं क्यों ले रहा हूं जरा सुनना ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज मुझे पैसे दीजिए, और सुनो मैं इसको किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं। सब किस में पैसा? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। और कहां लगाना चाहता हूं मैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहता हूं। बताओ जहां मैं पैसा लगाना चाहता हूं वहां रिस्क है या नहीं है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है सर, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुझे 1,12,000 रुपए मिल जाएगा 1 साल बाद। ध्यान से समझना में जो कॉन्सेप्ट है यार, बस थोड़ा सा मुझे साथ दे। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाने वाले? यस। और मैं आपसे बोल रहा हूं प्लीज मुझे पैसे दीजिए, और आप कहते हो कम से कम मुझसे कितना चाहोगे? कम से कम, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, जहां पैसा लगा रहा हूं वहां से भी रिस्क नहीं है, वहां भी पक्का पक्का मिलेगा। क्या ये पक्का पक्का मिलेगा? यस। और मुझे देना कितना है? आप 8% पे क्या तैयार हो सकते हो? सकते हो? कहोगे ठीक है सर 8% हमें बैंक से मिल रहा है, अगर आप भी लगाते हो तो चलो ठीक है 8, क्योंकि आप जहां पैसा लगा रहे हो वो तो रिस्क फ्री है। क्या डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकाला जा सकता है? यहां मुझे डिस्काउंटिंग किस रेट से करना है जरा सोच समझ के बताना, डिस्काउंटिंग किससे करूंगा? क्या ये रिस्क फ्री है? यस। मैं जब जहां पैसा लगा रहा हूं वो तो रिस्क फ्री है ना, तो डिस्काउंटिंग किससे करोगे? 8% से एनपीवी निकाला जा सकता है क्या? 1 ही साल का प्रोजेक्ट। यस। कैसे निकालोगे एनपीवी? 1,12,000 कब आएगा? फर्स्ट ईयर में। डिवाइड किससे करोगे? डिस्काउंटिंग किससे करोगे? 8% से। रिस्क प्रीमियम अभी नहीं आएगा, अभी बस बात समझ। 8% से डिस्काउंटिंग होगा, क्योंकि ये जो कैश फ्लो है इसमें रिस्क है कि रिस्क फ्री है? ये जो कैश फ्लो है इसमें रिस्क है या रिस्क फ्री है? सर ये रिस्क फ्री है, पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा। ठीक है, इसलिए मुझे इसको डिस्काउंटिंग किससे करना पड़ेगा? 8% से। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में। अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अब आपसे कुछ और, अभी मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कहता हूं सुनो ना सर, अभी ऐसा है कि मैं रिस्क फ्री में लगाने का नहीं सोच रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मैं सोच रहा हूं यार क्लासेस जो है ना सर, आप क्या पढ़ाते हो वैसे? वैसे मैं CA CMA इन सब की क्लासेस पढ़ाता हूं, और आपका जो पैसा है, अब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं लगा रहा हूं, मैं क्लासेस में लगाने का सोच रहा हूं। बोलो रिटर्न कितना चाहिए? और पहली बात बताओ अभी रिस्क है कि नहीं अभी? और सर कितना मिलेगा, क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि यार मुझे कम से कम 1,20,000 तो मिल जाएगा। बताओ रिस्क है या नहीं है? अब 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1,20,000। अभी यहां रिस्क था कि नहीं? सर यहां नहीं था, इसलिए इसको डिस्काउंटिंग किससे किया था? 8% से। लेकिन यहां रिस्क है कि नहीं? सर यहां तो है रिस्क। डिस्काउंटिंग किससे करोगे? अब तो पक्का रिस्क है, बिल्कुल सही, अब तो रिस्क है 100%। अब डिस्काउंटिंग 8% से करोगे कि उससे कम से कि उससे ज्यादा से? चलो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, आप पूछोगे ना बैंक से पैसे मांग रहा हूं,
बैंक पूछेगा ना भैया कहां लगा रहे हो, मैंने कहा लगा रहा हूं मैं रिस्क फ्री में नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां लगा रहा हूं, तो क्या अब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा? यस, 8% से ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप कहोगे कि नहीं नहीं सर, अब हमको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, और हमको अब 8% नहीं चाहिए, हमको हमको 15% चाहिए। आपका बिजनेस किस चीज का? मेरा बिजनेस टीचिंग का, तो सर हमको 15% चाहिए। एक्स्ट्रा कितना मांगा जा रहा है, एक्स्ट्रा कितना मांगा जा रहा है? सर एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है कितना परसेंट? 7%। इसको बोलते हैं क्या? रिस्क प्रीमियम, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्मल रिस्क प्रीमियम। नॉर्मल रिस्क प्रीमियम ये 15% को कुछ नाम देना पड़ेगा। हाँ, रिस्क बियर करने का प्रीमियम, बिल्कुल। आप 7% आपको आगे, ठीक है सर लगाओ अपने बिजनेस में पैसा, हमको थोड़ा बहुत विश्वास है कि क्लासेस चल जाएगी आपकी, क्लासेस चलेगी तो हमको पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास है, हमें कम से कम 15% चाहिए चाहिए। सर डिस्काउंटिंग रेट 12% क्यों नहीं लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का? मेरी बात समझो, मैंने 12% क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपसे जब मैं पैसे मांग रहा हूं तो आप जो मुझे पैसे दे रहे हो वो तो 8% पे देने को तैयार हो गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मार्ग चल रहा हूं, तो जब मैं डिस्काउंटिंग करूंगा तो मैं 8% से पैसे उठा रहा हूं, तो मैं 8% से डिस्काउंटिंग करूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट 12% चल रहा, तो वो मेरा एक्स्ट्रा एनपीवी हो गया, तभी तो एनपीवी आएगा। ठीक है, अभी कहां पहुंचे हम लोग? क्लासेस में पैसा लगा रहा हूं, रिस्क है तो एक्स्ट्रा कितना मांगा जाएगा 7%। इसको कुछ नाम देना पड़ेगा 15% को। सर 15% को नाम दे सकते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या इसको प्यार से हम के ही बोल सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं इक्विटी से पैसे। सर और क्या नाम दे सकते हैं इसको? और भी नाम दे सकते हैं। एक बच्चे ने बताया सर इसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब खेल और एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले पे जा नहीं रहा हूं, एक बार फॉर्मूला। अब मैंने कहा यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाता हूं तो डिस्काउंटिंग किस रेट से करोगे? सर रिस्क फ्री रेट। अगर मैं अपनी क्लासेस में पैसा लगा रहा हूं तो कहा आपने कि सर रिस्क प्रीमियम देना पड़ेगा, और रिस्क प्रीमियम कितना मांग रहा है? 7%। मैंने कहा सुनो, इन दोनों को छोड़ो ना यार, मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं, प्लीज मुझे पैसे चाहिए। सर प्रोजेक्ट कौन सा ये बताओ, प्रोजेक्ट कौन सा? आप लोग पढ़ते हो ना, तो मालूम है आपके साथ समस्या क्या है, जो पढ़ते हो ना वो भूल जाते हो। तो मैं ना कुछ ऐसी दवाई बनाना चाहता हूं, कि यार खाओ और हमेशा के लिए याद हो जाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। और मालूम है उस प्रोजेक्ट में मुझे मालूम है कि खूब पैसा आएगा, और कितना आएगा सर? या फिर छोड़ो वैसी भी बात सर, और कोई दूसरी बात करो। मैं ना यार अभी JEE का खूब रोल चल रहा है, अभी CS तो ठीक है, पर JEE भी तो एक क्लासेस है, मैं सोचा चलो यार ये पढ़ाया जाए, क्या इसमें अब रिस्क है? प्लीज मुझे पैसे चाहिए, अब मुझसे आप कितना परसेंटेज चाहोगे? 8% चाहोगे क्या? नहीं सर 8% तो नहीं, 15% चाहोगे कि नहीं सर? 15% तो तब चाहते जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते। आप तो हट रहे हो, कहां पहुंच गए JEE में? हाँ, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं है, और मैं सर टीचर हायर करूंगा, पढ़ाऊंगा, पता नहीं भगवान करे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा। रिटर्न कितना चाहोगे? 15% चाहोगे कि उससे भी ज्यादा चाहोगे? उससे भी ज्यादा, बिल्कुल सही। अब
हाँ अब मुझे फॉर्मूले में आपके साथ की जरूरत है, हाँ जी। अब एक चीज बता रहा हूं, बस फिर से लैग का प्रॉब्लम आ रहा है, सभी बच्चों को लैगिंग का इश्यू आ रहा है। यस हाँ, फिर से देख लो भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी एक बार कंफर्म करो, कोई इश्यू तो नहीं है ना। हाँ कोई इश्यू नहीं है सर, चलो ठीक है, कोई मतलब नहीं, कोई चलो 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 भाई क्लास करते हैं। मालूम है 15 मिनट बचा, 15 मिनट में मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है प्लीज। ठीक है, जे डबल ई कर रहे हैं, यहां पैसा लगा रहे हो। मेरा मेरा बस ये क्वेश्चन है कि यार जे डबल ई में जो पैसा लगाओगे तो मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अब ध्यान से समझना, एक्चुअली मेरा जो बिजनेस है वो तो ये वाला है, और यहां का रिस्क प्रीमियम कितना है, 7% नॉर्मल रिस्क प्रीमियम। मैं कहता हूं कि ये जो बिजनेस है, ये वाला जो बिजनेस है, इससे डबल रिस्क इसमें है। इसको मैं बोल रहा हूं रिस्क इंडेक्स। मेरा ये अनुमान है कि यहां जो रिस्क है, ये बिजनेस में जो रिस्क है, ये तो नॉर्मल है। इसमें आपको रिटर्न कितना चाहिए था सर? रिटर्न 15% चाहिए था। इससे डबल रिस्क इसमें जो डबल ई में, तो बता सकते हो कि यहां का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। दैट्स इट, बस इतना बता दिया तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बीटा, हाँ ये बीटा जैसे ही है, बस उसको मैं नाम दे रहा हूं रिस्क इंडेक्स। तो यहां का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालकर बता सकते हो क्या? दैट्स मार्केट से मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने बिजनेस से कंपैरिजन कर रहा हूं। एक बच्चे का आंसर आ रहा, किसी का आ रहा 30%, किसका 30%, वो यूनिटरी मेथड से काम कर रहे हैं। सर इस बिजनेस का 15 तो इसका डबल 30। एक बच्चे का आंसर आ रहा, निशिता का आंसर आ रहा 22%, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, सोच समझ के आंसर देना। यहां या इसको बेस ले रहा हूं तो इसको तो 1 ही लेना पड़ेगा। प्रशांत 26, निशांत 22, कभी ये इक्वेशन देखा है कि आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू रिस्क इंडेक्स, कभी ये इक्वेशन याद है आपको? ऐसा मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया था, आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू रिस्क इंडेक्स सीएपीएम। हालांकि वहां फॉर्मूला ऐसा था आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू रिस्क इंडेक्स, यहां फॉर्मूला ऐसे नहीं है। यहां बीटा बीटा से मतलब नहीं, रिस्क इंडेक्स को बीटा बोलते थे, सीएपीएम नहीं चल रहा। इट मीन्स यहां मुझे कंपैरिजन अपने बिजनेस से करना, यहां जितना रिस्क है उससे ज्यादा यहां रिस्क। ठीक है सर, बात समझ में आएगी है? कुछ लिखवाओगे कि? यस मैं लिखवाने जा रहा हूं अभी, ये सब जितना था अब एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है। लिखोगे क्या पढ़ रहे हैं हम? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट एनपीवी इन आरएडीआर मेथड। कैलकुलेट आरएडीआर
तो आर ए डी आर इज इक्वल टू आर ए प्लस रिस्क प्रीमियम, ऐसा भी हो सकता है आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम, ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा, मतलब मैं कब कहां पैसा लगाऊंगा तब आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम, ये कब रिस्क प्रीमियम मतलब नॉर्मल रिस्क प्रीमियम, बोलो ये कौन से वाले, इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में? सर इस बिजनेस में। इट मीन सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं, सीधा आंसर निकाल, क्या यहां डिस्काउंटिंग किससे करने की कोशिश कर रहा हूं? सर डिस्काउंटिंग आप वो 15% से डिस्काउंटिंग करना चाहते हो, ये कब होगा सब? ये जब बिजनेस जो है आपका उसी बिजनेस में पैसा लगा रहे जो ऑलरेडी है, यस मतलब सेम बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं। तो सर एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन में क्या सेम बिजनेस ऐसा लिखा रहेगा? नहीं, वो मैं समझाऊंगा कि कब कैसे करना है करके। एक तो ये हो गया, दूसरा आर ए डी आर, दूसरा और तरीका आर ए डी आर निकालने का, आर एफ प्लस के ई माइनस आर एफ, के ई माइनस आर एफ समझ रहे हो? सर रिस्क प्रीमियम लिख दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, रिस्क प्रीमियम और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? रिस्क इंडेक्स। जब मैं कौन से बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं? अदर बिजनेस। सुनोगे, लिखना नहीं है, सुनना ध्यान से। कभी कभी वो बोलेगा प्रोजेक्ट ए है प्रोजेक्ट बी है, अभी सुनोगे, और वो कहेगा कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका है 0.9 और इसका है 0.6, कौन सा ज्यादा रिस्की है? एक का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.9 और एक का सीवी है 0.6, कौन सा ज्यादा रिस्की है? ए, जिसका सीवी ज्यादा। तो कभी कभी वो सीवी बता देगा और कहेगा कि चलो जी आर ए डी आर, हाँ जी। तो कभी कभी हमें ये सब नहीं निकालना पड़ेगा, आर ए डी आर डिपेंड्स ऑन सीवी। अगर हायर सीवी है then higher discounting rate लेना। तो ये तीन पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं बात करूंगा कब कैसे करना, आर ए डी आर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आर ए डी आर कैलकुलेट करने का तरीका। कैलकुलेट एनपीवी using RADR as a discounting rate. क्वेश्चन में सिर्फ रिस्क फ्री दे रखा है और रिस्क प्रीमियम दे रखा है, बस और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। क्या किया जाए क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, अब सुनोगे, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिस्क फ्री रेट दे दिया है और रिस्क प्रीमियम दिया है, क्या किया जाए? फर्स्ट वाला ही लें,
और कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन में रिस्क फ्री भी दिया, रिस्क प्रीमियम भी दिया है और रिस्क इंडेक्स भी दिया है, फिर आरएडीआर कैसे निकालोगे सर? ऐसे अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है तो आरएडीआर कैसे निकालोगे? ऐसे बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सीए फाइनल से इजी कुछ नहीं है। हमारे पास है टाइम, एक आध क्वेश्चन तो अभी देखेंगे पक्का, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नहीं टेंथ से तो इजी नहीं है यार, कैसी बात कर रहा हूं मजाक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आईसीएआई के स्टडी मैट का है टीवाई के 15 सवाल है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल करोगे। ठीक, एक बार प्यार से क्वेश्चन पढ़ते, प्यार से क्वेश्चन पढ़ते, जितना प्यार से क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालना है और हद हो गई, एक दो और तीन प्रोजेक्ट दिया हुआ। पैसा कितना लग रहा है? 2,10,000। लाइफ कितना है? 5 साल। एनुअल का मतलब है हर साल आएगा, कितना? 70,000। और इस बार आपको क्या दे दिया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सोच के अभी मैं नीचे पढ़ नहीं रहा हूं, बस इतना बता दूं कौन सा ज्यादा रिस्की दिख रहा है, एक्स वाई या जेड। एक्स तो डिस्काउंटिंग रेट किस में ज्यादा लेंगे, एक्स किस में सबसे कम आएगा डिस्काउंट, कौन सा सबसे कम रिस्की है, जेड। द कंपनी सेलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट, बोले जो रिस्क एडजस्टेड रेट लोगे ना वो सीवी के बेसिस पे लोगे, और सीवी बता दिया है और आरएडीआर क्या लेना है ये भी बता दिया और उसका फैक्टर भी बता दिया। हाँ सीए इंटर देखा, मैंने कहा ना याद आएगा सीए इंटर। ये है 1.2, तो ढूंढो कहाँ है 1.2, ये दिख गया 1.2। तो डिस्काउंटिंग रेट कितना लेंगे? 16%। पास कोई प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर बता दे 5 साल का, 3.274। तो प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी निकाला जा सकता है क्या? यस। हर साल कितना आएगा? 70,000। कितने साल तक डिस्काउंटिंग? 5 साल, 16% के हिसाब से, और माइनस कितना करेंगे? 2,10,000। एनपीवी निकाला जा सकता है क्या? एक बार कैलकुलेटर चलाओ। बिल्कुल सही निश्चित। एक बच्चा कह रहा सर सब दे दिया, आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको एनपीवी निकालना है। ऐसे वाई का भी करे? हाँ सर वाई का भी करते हैं, चलो टाइम पास कर ले, वाई का भी एक बार निकाल ही लो भाई। फिर कहोगे कि सर इसको भी होमवर्क दे दिए, मैं होमवर्क नहीं यही करवा रहा हूं, है ना, ये हो रहा है क्वेश्चन। 19180 आ गया। और दूसरा करें वाई, वाई का 0.8 कहां है, 0.8 कहां, ये है 0.8। तो दूसरे का भी आंसर आ गया, वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, ऐसा होना चाहिए 24,186। बाकी बच्चे बोल रहे फॉरेक्स में पता लगेगा, ठीक है आगे। 81,50। कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट? वैसे अगर आंसर देना होता कि कौन सा करना है तो आंसर होता वाई, पर इस भाई साहब ने इस क्वेश्चन में पूछे ही नहीं कि कौन सा करना है, बस बोले आप एक काम करो आप एनपीवी निकाल लीजिए बाकी सब छोड़ दीजिए। तो सर होमवर्क दे दो ना प्लीज, होमवर्क। थैंक यू।
इस क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, तो हम बेकार में ना एडवाइस भी नहीं करेंगे, बोलेगा तो हम बताएंगे, नहीं बोलेगा तो हम शांत रहेंगे, इट मीन्स हम बस एमपीवी निकाल कर छोड़ देंगे। उनका कहना है कि सर प्रोजेक्ट एक्स करना चाहिए क्योंकि इसका सीवी कम है। आरएडीआर जनरली क्वेश्चन में आरएडीआर आप कैसे बता सकते हो? आरएडीआर कोई भी नहीं बता सकता रोहन कि यार मुझे जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आईसीआई तो दे देगा, पर जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है एक्चुअल में, जिस भी प्रोजेक्ट में, उसमें कितना रिस्क है और उसके हिसाब से मुझे पैसा कितना मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, और जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट से मैं डिस्काउंटिंग करूंगा। वो रेट मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो अब हालांकि इतना है कि अगर मैं बहुत रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा, आप खुद सोचिए, अगर मैं कोई ऐसे रिस्की भी प्रोजेक्ट में पैसा, और आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज मुझे पैसे चाहिए, तो हो सकता है कि आप कहोगे सर दे तो दूंगा पर थोड़ा ज्यादा रेट लूंगा, या फिर मैं बोलूंगा चलो यार मैं क्लासेस चलाने का सोच रहा हूं और जो भी आएगा ना मैं उस आपको दूंगा, तो आपको पता है इस क्लासेस चल सकती है सर की, तो हो सकता है उस समय आप रिटर्न जो है वो मुझसे कम मांगे। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या होगा। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आया था इसमें, क्या उसने पूछा कि कौन सा प्रोजेक्ट करे? नहीं, अगर पूछता तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है सुन लो एक बार, काश कोई मुझे बता दे सही आंसर। उनका कहना है कि अगर प्रोजेक्ट कौन सा करे तो हमारा आंसर 0.4 आना चाहिए। भाई क्यों 0.4 आना चाहिए? 0.4 को तो कंसीडर किया और उसी के कम रिस्क है, तो आपने डिस्काउंटिंग रेट करके एनपीवी निकाला ना, और यहां तो आपने डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लेकर एनपीवी निकाला, डिस्काउंटिंग रेट तो कर लिया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिसका एनपीवी ज्यादा है उसको एक्सेप्ट करोगे, आंसर आएगा 24,100, क्योंकि इसमें रिस्क को एडजस्ट कर लिया आप यहां के रिस्क में, इसकी बात करो मुझे एनपीवी ही देखना सर, ये ज्यादा रिस्क है तो डिस्काउंटिंग रेट भी तो भाई ज्यादा लिया और इसी से तो एनपीवी निकाल रहा हूं मैं, डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लिया मतलब रिस्क को मैंने एडजस्ट कर लिया, इसलिए तो नाम है इसका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। खैर आरएडीआर के अभी क्वेश्चंस बाकी है, अभी आज के लिए कोई होमवर्क था क्या? Yes. अच्छा रहा होगा तो वो होमवर्क सिंपल सिंपल है, कर लोगे, कल मिलते हैं तो कल हम आरएडीआर भी खत्म करेंगे और कल हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी खत्म करेंगे, हमारे 1.5 घंटे में आराम से खत्म हो जाएंगे, और जो होमवर्क दिया है बस वो साथ साथ बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। क्वेश्चन को बिना टेबल के भी कर सकते कि कर सकते, कोई समस्या नहीं है, जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे तब हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी, वही सारी चीजें निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 21 होमवर्क है, हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं, आरएडीआर का कॉन्सेप्ट अभी और भी क्वेश्चंस बाकी, कल आराम से करेंगे आरएडीआर, कल का टारगेट रहेगा आरएडीआर खत्म करना और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट खत्म करना, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी जो क्लासेस है अभी 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे की ही रहेगी, कब तक? 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा तो उसको वापस हम 2 घंटे कर लेंगे और थोड़ा ज्यादा भी बढ़ा देंगे। और कुछ डेरिवेशन था, एक फ्यूचर वैल्यू एनिटी फैक्टर का डेरिवेशन वगैरह था और कुछ इक्विवेलेंट एनुअल, तो शायद अभी तक मैं फ्री नहीं था, कल मैं अपलोड कर दूंगा, वो दोनों वीडियो आपके गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे, बोर्ड नोट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।